हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबीरॉक्स टीम। यहाँ पर पोर्टुगीज लीग का मैच हो रहा है कासा पीसा वर्सेस पीओआर के बीच 2 घंटे बाद 12:45 पे। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की, देन यहाँ पर कासा पीसा में इस मैच में CPA जो ये टीम का नाम है कासा पीसा, ये टीम यहाँ पर जीतेगी, ठीक है। जहाँ तक मुझे डाउट है, वैसे देखो हमारा डाउट कहीं पर गलत भी निकल जाता है, ये बात नहीं है, हम तो जस्ट एक एनालाइजर्स हैं, ठीक है, जो हम एनालाइज करते हैं, कहीं पर एनालाइजमेंट सही भी नहीं होती, ये भी बात है। लेकिन जहाँ तक मेरा फेवर रहेगा इनको रहेगा, CPA को। 2 मिनट इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है। तो बात करें स्ट्राइकिंग की, देखिए टीम मैंने बना रखी है, आपको मैं बता दूं कि आर मार्टिन जिनका अभी तक देखा जाए तो मेन प्लेयर है। ये लोग बता रहे हैं कि 14 मार्च के बाद इन्होंने मैच ऐड नहीं किया, बट ऐसा नहीं है। 14 मार्च के बाद काफ़ी मैचेस इस टीम ने खेले हैं, काफ़ी मार्च के मंथ में, काफ़ी अप्रैल के मंथ में, और इस मंथ में भी, ठीक है। तो जिसके अंदर मैंने देखा है कि आर मार्टिन का रिकॉर्ड और एफ कार्डोसो का रिकॉर्ड में बहुत बढ़ोतरी हुई है। एफ कार्डोसो को रेड कार्ड मिल गया था थर्ड लास्ट मैच में मिला था, तो अब तो एक्सपायर्ड हो गया होगा कार्ड, तो हो सकता है आज ये खेले, सो इसलिए कार्डोसो जैसा तो खिलाड़ी नहीं मिलने वाला आपको। एंड डब्ल्यू जूनियर सेंटोस की बात करूँ, वैलेंटन को तो आप लोग ही, क्योंकि POR का मेन खिलाड़ी यही है। जब भी कभी ड्यूल गोल होते हैं या एक आध गोल अगर ये टीम करके जीतती है, तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो इसी खिलाड़ी का होता है। एंड आगे से अगर बात करें मिडफील्डिंग की, देन यहाँ पर है मॉरिशियो जूनियर को लास्ट मैच के अंदर नहीं खिलाया था, बट अप्रैल में उसके बाद अगर मैच हुआ होगा तो शायद वापसी करवाई गई हो, क्योंकि इसका खेलना ज़रूरी है। ये नहीं खेलता तो POR की मिडफील्डिंग पे इफेक्ट पड़ सकता है सिर्फ एक प्लेयर के ना खेलने से। एंड आगे से अगर बात करें तो यहाँ पर लेंगे गाइज मुस्तफ़ा एक नॉर्मल प्लेयर है, पता नहीं लोगों ने कहा था अच्छा है, लेकिन आपको सही बता रहा हूँ कि अच्छा नहीं। आप रिकॉर्ड देख के रिकॉर्ड देख के अंदाज़ा लगाया करो, बिना रिकॉर्ड देखे प्लेयर को अच्छा कहो के गलत है। अभी वो उस लायक नहीं है अगर आप सोच रहे हैं, इससे बढ़िया पिक्स भी हैं, जैसे एम दियाबी जैसे खिलाड़ी को मेरा छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि और थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि किसको खिलाया जाए, क्योंकि खिलाड़ी बहुत हैं चुनना हमको। अब एस्ट्रेला लोग इसे लेंगे, पक्का लेंगे अगर खेलता है। एडवेंचुरा ये भी लास्ट मैच के अंदर, जब आपको पता है 3 अप्रैल में खेल रहा था तो इसको रेड कार्ड मिल गया था, तो अब रेड कार्ड तो एक्सपायर्ड हो गया, ठीक है। तो अब पता नहीं कौन किसको क्या करने वाले हैं, क्योंकि वेंचुरा भी अच्छा है और दियाबी भी अच्छा है, कन्फ्यूज़न हमारे सर पे है। पर अगर मैं आपको राय दूं, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो मैं तो कहूँगा इसको छोड़ के एम दियाबी बनता है भाई, ठीक है। और आगे से वाई सोमा को यहाँ पर मैं अपनी टीम में लेने वाला हूँ। यूकी सोमा लास्ट मैच 14 मार्च के मैच में येलो कार्ड मिल गया था, ठीक है, बट ये स्लेज बड़े होते हैं आपस में, मेरे को समझ नहीं आ रही इतने कार्ड्स, मतलब इस लीग के अंदर मैं हैरान हो गया, पोर्टुगीज लीग में इतनी लड़ाई, ये तो बहुत गलत है यार। एंड वाई सोमा तो जितना बड़ा प्लेयर है, खेलना चाहिए यार, रेगुलर खेलना चाहिए इस खिलाड़ी को। आगे से अगर बात करें बी मुकेंदी की, मुकेंदी पॉइंट अच्छे दे रहा है, तभी मेरा मन करा चल ले लेते हैं सिर्फ एक पॉइंट के बेस पे, क्योंकि आप देखोगे इस खिलाड़ी का गोल में नाम नहीं है, असिस्ट में नाम नहीं है, सिर्फ इसका किस में नाम है, इंस्क्रिप्शन एंड ब्लॉक शॉट टैकल्स वगैरह में, ठीक है। एंड आगे से अगर बात करें तो यहाँ पर यहाँ पर लूँगा एल सोर्स को, लास्ट मैच नहीं खेला था बट आज खेल सकता है। एंड जोलॉटिक की बात करें, जोलॉटिक एंड वी फर्नांडिस आर मेन प्लेयर, बट ये उसके बाद वापसी कर चुका था, लास्ट मैच इनकी नज़र में 13-14 मार्च का है, बट उसके बाद ये खेला था, ठीक है। और ये जो प्लेयर आप देख रहे हैं रेलविस हो गया या एफ मॉफी हो गया, तो अगर इनको लेना है तो मिडफील्डिंग में दियाबी को छोड़ देना, लेकिन छोड़ना तब अगर रिस्क लेना चाहते हो, मैं तो कहूँगा दियाबी के साथ ही रिस्क लो, वो फालतू रिस्क है, वहाँ पर कुछ भी नहीं रखा। एंड गोलकीपिंग की बात करें, नाकामूरा, मैंने आपको पहले बताया था ये पूरी टीम एक तरफ, गोलकीपर एक तरफ, ये बात मैं हर बार POR के मैच में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि खिलाड़ी में दम है, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ। बात करें कैप्टन की, कैप्टन है हमारा एफ कार्डोसो, वाइस कैप्टन आर मार्टिन्स, ये मेरी टीम है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।